दिल्ली में भाजपा नेताओं के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई है कि उनके लिए केंद्रीय नेतृत्व की नसीहत व निर्देश के भी कोई मायने नहीं है। यही वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश के बावजूद संगठन में खाली पड़े पद भरे नहीं जा सके हैं। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को धार देने के लिए 25 जुलाई तक दिल्ली में संगठन में खाली पड़े सभी पदों को भरने का निर्देश दिया था, लेकिन इस तारीख के बीतने के बाद भी न तो खाली पड़े पद भरे गए और न ही संगठन में कोई फेरबदल नजर आया। दिल्ली में भाजपा नेताओं के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई है कि उनके लिए केंद्रीय नेतृत्व की नसीहत व निर्देश के भी कोई मायने नहीं है। यही वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश के बावजूद संगठन में खाली पड़े पद भरे नहीं जा सके हैं। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को धार देने के लिए 25 जुलाई तक दिल्ली में संगठन में खाली पड़े सभी पदों को भरने का निर्देश दिया था, लेकिन इस तारीख के बीतने के बाद भी न तो खाली पड़े पद भरे गए और न ही संगठन में कोई फेरबदल नजर आया। प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कुलवंत सिंह बाट के पार्टी छोड़कर शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने के कई माह बाद भी अब तक यह पद खाली है। इसी तरह से जिलों व मंडलों में भी कई पद रिक्त हैं। भाजपा के जो पदाधिकारी पार्षद बन चुके हैं उनकी जगह संगठन में नए लोगों को लाया जाना है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। पार्षद बनने ता संगठन में पद का मोह नहीं त्याग सके हैं और उनके दबाव के आगे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व असहाय दिख रहा है। इसी तरह से प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के मुखिया को भी बदला नहीं जा सका है। प्रदेश के नेता तो दावा कर रहे हैं कि अब मात्र 10% पद ही भरे जाने हैं, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में खाली पद भी अब तक नहीं भरे गए हैं। इसी तरह से एक व्यक्ति एक पद के नियम को लागू करने के नाम पर नई दिल्ली जिले से 3 नेताओं को हटाने की अनुमति प्रदेश नेतृत्व से मांग दी गई थी, लेकिन इनकी जगह अब तक नए लोगों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। दिल्ली में गुटबाजी खत्म करने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी व प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन के साथ ही प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू की है, लेकिन वे असहाय नजर आते हैं। प्रदेश के नेता भी कहते हैं कि जाजू को नेताओं की गुटबाजी दूर कर सभी को एक साथ चलाने की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन वह खुद इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। सतीश उपाध्याय के प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान भी उनका प्रदेश संगठन के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था। अध्यक्ष बदलने के बाद भी यही स्थिति है। इसका सीधा असर संगठन के कामकाज पर पड़ रहा है।